2024 के लोकसभा चुनाव के पहले पहले उत्तर प्रदेश की 80 जो है लोकसभा सीटों पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां पर बीजेपी पार्टी जमकर अखिलेश यादव को घेर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ट्विटर के जरिए तमाम मुद्दों को यानी कि जमीनी स्तर के मुद्दों को शेयर करते हुए अपनी बात को लिखते रहते हैं। ये कहते रहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के कामों पर ही काम किया है, यानी कि समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं उसमें ही बदलाव कर दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इन बयानों को झुठलाते हैं, इन ट्विटर को झुठलाते हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अब 80 लोकसभा की सीटें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी का ही परचम लहराएगा। तो क्या अखिलेश यादव गठबंधन कर लेंगे? तो क्या अखिलेश यादव यहां पर तमाम रणनीतियों को अपना लेंगे? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा हो रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर राजा भैया, मायावती और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको लेकर खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव को साथ मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अकेले नहीं है, क्योंकि जयंत चौधरी ने साफ तौर पर यह बयान दिया था कि अखिलेश यादव के साथ खड़े रहेंगे। ये कहा था कि खतौली में भले ही रामपुर में यहां पर बीजेपी पार्टी की जीत हुई हो, लेकिन हम जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि खतौली और रामपुर में ईवीएम को लेकर जयंत चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए थे और यह कह दिया था कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है। तो इस बीच ये खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव पूरी कोशिश में है कि तमाम विपक्ष की पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को एक साथ मिलाकर इस बार चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अब जो है 8-10 महीने का समय रह गया है और पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर जो है रैलियां करना शुरू कर दिया है। चाचा शिवपाल जो है यहां पर जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें जाकर जो है क्षेत्रीय रैलियां कर रहे हैं और रैलियों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि अब जो है चाचा भतीजे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, चाचा भतीजे के साथ आपको चलना है और लोकसभा चुनाव आपको जिताना है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर यह कह दिया कि यहां पर अखिलेश यादव बौखला गए हैं, तमाम पार्टी के नेता बौखला गए हैं, उनको ये नहीं पता है कि जमीनी स्तर पर किस पार्टी ने काम किया। अब देखना यह पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ के पलटवार से, केशव प्रसाद मौर्य के पलटवार से अखिलेश यादव का क्या बयान आता है, क्या यहां पर ऑफिशियल तरीके से गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।